नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ इस समय कालका की आवाज। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की ओर एक नजर डालते। परिषद कार्यालय में सरकार के दायित्वानुसार प्रॉपर्टी टैक्स धारकों के लिए सुविधा हेतु कैंप लगाया जाएगा, जिसमें जो भी प्रॉपर्टी टैक्स धारक जिनको अपनी प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार की त्रुटि है, उनको पाई जाती है, उसको दुरुस्त करवाना है, तो वो नगर परिषद कार्यालय में लगाए गए कैंप में, यानी कि दिनांक 10 और 11 मतलब जून को नगर परिषद कार्यालय में आके मतलब अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, जिसका ऑब्जेक्शन यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर नगर परिषद कार्यालय के स्टाफ के द्वारा ही उनका ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा। एवं जो ये कैंप है वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मतलब नगर परिषद कालका और पिंजौर कार्यालय में लगाया जाएगा। ये 2 दिन का कैंप है, इसमें जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनका जो भी आवेदन होगा उसको जल्द से जल्द यानी कि कोशिश की जाएगी कि उनका मौका पर निपटान कर दिया जाए, अन्यथा जो भी यानी कि शीघ्रता शीघ्र उनकी कार्रवाई यानी कि उनका निपटान करने का प्रयास किया जाए। तो इसमें किसी को अगर मलकियत से संबंधित दस्तावेज या फिर अपने कोई दस्तावेज अपडेट करने हैं तो उसमें अपना मलकियत के बारे में प्रूफ, जैसे मैं कोई कन्वेंस डीड हो, रजिस्ट्री हो, कोई बिल हो, कोई डिग्री हो, इस तरह के जो भी ऑथेंटिक दस्तावेज है वो लेके आने, वो भी उनसे संबंधित है। इसके अलावा अपना परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड।